नमस्कार, कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुँचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोविड 19 के बाद अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस, जिसके बाद अब येलो फंगस का खतरा देश में मंडराने लगा है। लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं और कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। आखिर ये ब्लैक फंगस होता कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है या फैलता कैसे है, इस पर हम बात करेंगे छपरा के ख्यातिलब्ध फिजिशियन डॉक्टर MS अहमद से। डॉक्टर साहब, अभी ये ब्लैक फंगस का मामला सामने आ रहा है, क्या है ये मामला, इस पे इससे कैसे बचा जाए, ये कैसे होता है? पहले तो ये बताइए ये कैसे होता है, किस तरह से ये आगे बढ़ता है, बताया जरा कोविड पेशेंट पे। फंगस को हम लोग हिंदी में कवक कवक कहते हैं, कवक फफुंदी। जहाँ भी नमी की मात्रा होगी, जहाँ भी नमी होगी वहाँ पे इसका ग्रोथ होता है। जहाँ तक मेडिकल साइड से देखा जाए कि हमारे जो कोविड 19 के पेशेंट जो काफ़ी दिन तक वेंटिलेटर पे रह जा रहे हैं या ऑलरेडी पहले से डायबिटिक हैं, पेसमेकर लगा हुआ है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या ऑलरेडी कहीं दवाई ऑलरेडी उन्होंने ले रखा है जिसमें डेक्सोना, पेडनिसोलोन, बेटनेसोल, इस तरह की दवाइयाँ जो गाँव में आम तौर पे बुखार को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इससे ये नमी बढ़ जा रही है शरीर के अंदर और वो कवक, वो ब्लैक फंगस हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं उसके अंदर, मुख के अंदर, गले के अंदर, कान के अंदर, इसमें ग्रो हो रहे हैं। तो एक तरह से ये एक फफूंदी है जो हमने देखा होगा कि ब्रेड वगैरह पे जिस तरह से लगता है उसी तरह से ये अब शरीर के अंदर आ रहा है और उससे काफ़ी हानि होने की संभावना है। डॉक्टर साहब, बताया जा रहा है कि जो लोग ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहे हैं या वेंटिलेटर पे हैं या ऑक्सीजन पे हैं उनको हो रहा, तो क्या ये माना जा सकता है क्या कि जो पाइप इस्तेमाल हो रहा है उस पाइप की वजह से भी ये बीमारी पड़ती है? देखिए, कई तरह से बातें हो रही हैं, कई तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने। एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि जो हमारे देश में ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही थी उस टाइम में हम लोगों ने मेडिकल ऑक्सीजन के बदले कुछ हद तक इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल किया है जो टर्शरी केयर सेंटर्स में ज़्यादा हुआ है, जैसे कि एम्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की इस्तेमाल हुए। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की जो ह्यूमिडिटी होती है उसको बरकरार रखा जाता है ताकि उससे हमें टर्बाइन को चलाना है, उससे हमें दवाइयों को ये करना है, सेग्रीगेट करना है, तो उनकी ह्यूमिडिटी को बरकरार रखा जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन हम मेडिकली यूज़ करते हैं उसकी जो आर्द्रता है उसको हम लोग बहुत कम कर दिया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट से। और कई हद तक ये भी सवाल आपका जो बिल्कुल सही है, जो आप ये कह रहे हैं कि कहीं पाइपलाइन में जो फंगस थे या पाइपलाइन में जो आर्द्रता थी वो तो नहीं आ गया, बिल्कुल ये बात भी सही हो सकता है क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो इस्तेमाल होते हैं वो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं और मेडिकल ऑक्सीजन का एक अलग प्लांट ही होता है जहाँ से उसको प्रिपेयर करके और फिर मेडिकल सप्लाई से हम हॉस्पिटल में लेके आते हैं, तो ये क्राइसिस का भी देन हो सकता है। क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन पाइप्स को ठीक रखें, उसको लगातार बदलते रहें, तो क्या इसका फ़ायदा इस तरह के पेशेंट्स को बचने में मिल सकती है क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। और कई हद तक ये देखा भी गया है कि कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा हुआ भी है कि जिनकी पाइपलाइंस पहले से ही मेडिकल ऑक्सीजन को कैरी करती थी और जब ऑक्सीजन दूसरी सप्लाई हुई, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाई हुई, तो उन्होंने उस तरह के पाइप को इस्तेमाल नहीं किया, जो हॉस्पिटल की ऑलरेडी अपनी पाइप थी उसको इस्तेमाल ना करके दूसरी पाइपलाइन से उन्होंने किया और उसमें बहुत हद तक कमी आई है। वैसे केसेस तो बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ने के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी चीज़ें आ रही हैं सामने उसमें एक स्टेरॉयड का यूज़,
जो कि बिल्कुल इरेशनल तरीके से हुआ है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज़, वो भी जो आर्द्रता की वजह से, जो ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ एक और सामने आ रही है कि जो मास्क हम लोग लगा रहे हैं, ये जनरल पब्लिक के पास जो मास्क की कमी है, जो मास्क लगाते हैं एक ही मास्क को कई दिनों तक या कई सप्ताह तक लगा रहे हैं, उसको धो नहीं रहे हैं, उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये मास्क बहुत ही क्लोज रहता है हमारे नाक से और मुख से, इसके थ्रू भी ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहा है। ख़ास करके वाइट फंगस जो के केसेस आ रहे हैं उसमें कैंडिडा का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, कैंडिडियासिस ज़्यादा हो रहा है। वो तो आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम इस तरफ जो लापरवाही बरती गई है कि मेडिकल ऑक्सीजन के बदले इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया, वहीं दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो मास्क है आप उसका लगातार अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और वॉशेबल है तो उसको लगातार धोते रहें, सुखाते रहें और तब इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों को अगर इन सब चीज़ों का जब ख्याल रखा जाएगा तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये फंगल डिजीज़ जो हैं, ब्लैक फंगल और वाइट फंगल और तो येलो फंगल की बात हो रही है, ये तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। छपरा से जाकिर अली कशिश ने। इस वक्त हम सिवान के सदर अस्पताल में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे की एम्बुलेंस किस तरह पड़ा हुआ है और ये एम्बुलेंस सदर अस्पताल की शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। इस बाबत अगर सिविल सर्जन से बात किया गया, हमारी टीम जो है कि सिविल सर्जन से जाकर बात की, तो सिविल सर्जन का साफ तौर पर यह कहना था कि इसके चालक और जो कंपाउंडर होते हैं वो नहीं है, जिसके वजह से ये अस्पताल में पड़ा हुआ है। हालांकि ये लगभग 10-15 दिन से इस अस्पताल परिसर में पड़ा हुआ है और इसे देखने वाला कोई नहीं है। फिलहाल जो सदर अस्पताल के सिविल सर्जन हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि रोगी स्वास्थ्य समिति से इसका परमिशन लिया जाएगा, जब इसके चालक आ जाएंगे तब इसको चलाया जाएगा। जैसे 10 बजे तक ड्यूटी है जी। अच्छा ये बताइए कि ड्यूटी के दौरान आप लोग सुबह 2 बजे से मान लीजिए दोपहर से आ रहे हैं, ये कितनी यहाँ पे एम्बुलेंस है? ये एम्बुलेंस तो अभी 6 था, 5 है। अच्छा, तो चल रहा है कि नहीं चल रहा, किसी तरह खड़ा है? तो अभी हम लोग देखे हैं तब से खड़े हैं सर। खड़े हैं, नहीं जा रहा है मरीज उसको लेकर? ना। क्यों, क्या कारण है? अब इसका कारण तो सर सिविल सर्जन जो है बताएंगे हम लोग का। मैंने ऐसे आप लोगों को क्या लग रहा है, ये हम तो बात कर लेंगे। ड्राइवर साइड नहीं है सर, किसी गाड़ी पर नहीं है ना, अभी तो फिलहाल कोई नहीं। 2 बजे से अच्छा क्या लग रही है, गाड़ी क्यों नहीं चल रही है? कौन गाड़ी? ये जो एम्बुलेंस ये सब खड़ा है, ये तो वही बताएगा, हम लोग नहीं बने, हम लोग ड्यूटी से अपने। मैंने आप लोग कितने दिनों से आते हैं? हो गया हम लोग को 20 दिन ले हो गया। तो गाड़ी कितने दिनों से लगभग आई खड़ी है? 8-9 रोज हो गया। 8-9 रोज में कभी देखे हैं गाड़ी को इधर उधर जाते हैं लोग? ना ना, कभी नहीं। नहीं कोई नहीं। तो क्या मतलब ड्राइवर है कि नहीं है? नहीं, ड्राइवर नहीं पता है, ड्राइवर नहीं है। ये लगभग 1 सप्ताह 6 दिन ऐसे ही हुआ होगा, जब डेट तो आज याद नहीं। मतलब कि सर कारण क्या है कि एम्बुलेंस नहीं चल रही है लगातार? एम्बुलेंस चलाने के लिए उसमें एक ड्राइवर, एक EMT होता है, पेट्रोल लगता है, तो परिवहन या उसका संचालन व्यय अलग होता है, तो वो हम लोग मरीज से पैसा नहीं ले सकते हैं, इसीलिए वो एम्बुलेंस जब स्वास्थ्य समिति द्वारा संधारित हो जाएगी तो चलेगी, या उस मद में कोई पैसा आ जाए, क्योंकि ये कोई संस्था हम हायर करने के लिए भी अधिकृत हैं, लेकिन चूंकि जनप्रतिनिधि द्वारा दिया हुआ है तो इसको तो हायर भी नहीं किया जा सकता है ना जी। तो अभी तक मतलब कि सर इसकी ड्राइवर की व्यवस्था नहीं हो सकी है? नहीं, अभी नहीं हुई है, वहाँ से निर्देश आ जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक इस एम्बुलेंस के चालक आते हैं और कब तक इसको चालू किया जाता है। जिस तरह पूरे बिहार में एम्बुलेंस का हाहाकार मचा हुआ है, सिवान में भी इसकी वानगी देखने को मिली। अभी महज कुछ दिन पहले मैरवा में एक परिजन एक पुत्र अपने पिता को ठेले पे लाद के ले जा रहा था, वजह यह थी कि एम्बुलेंस का प्रॉब्लम था जिसके वजह से ऐसा हुआ, और सदर अस्पताल में ये एम्बुलेंस शोभा की वस्तु बन के रह गई है। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज, सिवान। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी।